नमस्कार दोस्तों, आधार अपने इंडिया के सिटीजन्स के लिए कितना अहमियत रखता है यह आप सभी लोगों को पता है। आज के दिन में अगर बात करें तो आधार के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आधार की शुरुआत हुई थी इसकी प्रोसेसिंग, तो उस समय जल्दीबाजी में लगभग अधिकतर लोगों के आधार कार्ड में उनकी डिटेल्स में कुछ न कुछ गलतियां जरूर हो गई हैं। किसी का नाम सही नहीं है, किसी का जन्म तारीख सही नहीं है, या तो फिर किसी का एड्रेस ही सही नहीं है, या तो फिर किसी का मोबाइल नंबर ही अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, इसको अभी सही करने के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा अपने किसी नज़दीकी बैंक में जहाँ पर आधार की इनरोलमेंट काम चल रही है। क्योंकि दोस्तों, सितंबर 2017 के पहले तक तो आप अपने मोबाइल से या तो फिर कंप्यूटर से सेल्फ सर्विस के तौर पे अपने आधार में करेक्शन करवा सकते थे। लेकिन इसका कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा लगा कर कुछ गलत काम किए, तो जिसकी वजह से UIDAI यानी गवर्नमेंट ने जो है इसको बंद करा दिया। और अभी भी जो है आप अपने से ही एक चीज अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता और उसके लिए भी कुछ फीस देकर जाके उसे अपडेट करवाते हैं। दोस्तों, आधार में सबसे पहली बात आती है आपके नाम वगैरह अपडेट कराने की, उसके बाद आपकी जन्म तारीख, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, आप बाकी सारी चीज़ें तो आप अगर अपडेट करवानी है तो आपको जाना पड़ेगा अपने नज़दीकी किसी बैंक में जहाँ पे आधार का काम चल रहा है, और आपको वहाँ पर एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एड्रेस चेंज कराने की बात सोच रहे हैं तो ये आप अपने मोबाइल या तो फिर डेस्कटॉप से फ्री में अपने सेल्फ सर्विस के तौर पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं फ्री में बिल्कुल। और दोस्तों, अगर बाकी चीज़ अपडेटेशन करेक्शन की बात की जाए तो उसकी जो फीस होनी चाहिए वो 25 रुपये सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है, लेकिन कई सारे जगहों पर 50 रुपये, 100 रुपये तक भी लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आपकी कोई भी करेक्शन है, किसी चीज़ में खामी है, तो आपको ये सुधरवा लेना चाहिए। और अभी तो आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ कहीं आधार करेक्शन का काम चल रहा है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं एकदम, क्योंकि हर किसी के आधार कार्ड में कुछ न कुछ गलत जरूर है जिसे उनको सुधरवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आपको जाना है सिंपली गूगल पे, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे डेस्कटॉप में या तो फिर मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI.gov.in, जो कि आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको होम पेज में देखने को मिलेगा अपडेट एट इनरोलमेंट सेंटर। तो बाकी सारी चीज़ें जो अपडेट करवानी होंगी आपको वो इनरोलमेंट सेंटर से ही, लेकिन अगर आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आधार अपडेट में, एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन। सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक कर देने के बाद आपको दूसरा एक पेज ओपन होगा, यहां पर नोटिफिकेशन को हम कर देते हैं क्लोज। और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा टू सबमिट योर एड्रेस अपडेट करेक्शन रिक्वेस्ट प्लीज़ प्रोसीड। तो यहां प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहां पर एंटर करना है आपका आधार नंबर, यहां पर मैं इसे ब्लर कर रखा हूं सिक्योरिटी रीजन से। उसके बाद आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसे एंटर कर देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP आएगा, तो यहाँ पर जो OTP आएगा उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, मेरे पास आ चुका है OTP और मैं सिंपली इसे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम कर देते हैं लॉगिन पे क्लिक। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है सिलेक्ट फील्ड्स टू अपडेट, आप एड्रेस के ज़रिए यहाँ पर अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर पिन के ज़रिए। तो हम यहाँ पर सिंपली अगर एड्रेस के ज़रिए करते हैं, यहाँ पर सबमिट करते हैं, तो आपको वो एड्रेस डालना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फील्ड आपको भर देनी है, जैसे आपकी लैंडमार्क, एरिया, पिन कोड, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में जैसे डालते जाएंगे तो हिंदी में अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर CO जो दिख रहा है,
यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, इस तरीके से जो भी हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सन ऑफ सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देता हूँ, तो आपको इधर हिंदी में ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा, आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आ गया। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें भर देनी है। उसके बाद सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट, ये सारे फील्ड भर देने के बाद सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है ये रिव्यू करने के लिए कि आपका रिव्यू अपडेट, आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, आप यही करवाना चाहते हैं। अगर आपकी गलत होगी तो मॉडिफाई कर दीजिए, और अगर सही है आपने सब चीज़ एंटर ये प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो आप मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम कर देते हैं प्रोसीड पे क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपको एड्रेस का प्रूफ देना होगा जो आप अपडेट करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह, यहाँ पर जो भी एक्सेप्टेबल हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इसमें से जो भी आपके पास है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और चूज़ फाइल करके, और यहाँ से आप उसे अपलोड कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना है, तो आप चाहें तो जिस किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, 2 MB से कम ही होना चाहिए। उसके बाद आपकी अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जो है यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, और 2 से 3 दिन या फिर 5 दिन के अंदर आपकी ये अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।